तो रहे, चांसेस भी यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर देखो आ रहे हैं आपको दोस्त, टीम बैटल के भी। देखा दोस्तों, पैसा लोगों को भुला देता है एक इंसान। देखा, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत मुझे, बड़ी परेशानी। मैं एक्सपेक्टेड था ये कि ये आरआर कब आएगा। डाउन होती हुई नजर आ रही है रेकनिंग वर्सेस टीम हाइड्रा। ये बढ़िया एकदम नेड वेड मार के सब क्लियर कर दिया। लो रिज पे है हंटर्स और उस जगह से मुझे लगता नहीं कुछ खास कमाल कर पाएंगे। स्प्रे गॉड का ये ग्रेनेड को करेगा डाउन, अनदर ग्रेनेड हिट्स हंटर्स, आखिरी बचाएंगे। नाउ ट्राई आउट 16, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। पंक अब इनको, अब ये पुश करेंगे क्या? राइट साइड से प्लेयर फ्लैंक करेंगे, एज ही बीन स्पॉटेड आई बिलीव, उनको स्पॉट कर लिया गया। लेफ्ट से प्लेयर स्टार बॉय भी आगे आते हुए बगी का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रे गॉड, इन्हें पता है ये खिलाड़ी काफी शानदार है। ट्राई आउट भले ही नाम में है बट डेफिनेटली इस खिलाड़ी में पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल का कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके मुंह छह के लगाए जब 14 किलो ने डाउन कर दिया, फिनिश कर दिया है। टीम रेकनिंग एलिमिनेट हो गई है छठे पायदान पे। पंग अच्छा ही खेलता डार्क शैडो का, लग रहा बड़े टीएमजी को भी। शुरुआत डे नंबर 1 बिल्कुल अच्छा नहीं था। अबे ये ट्रेनिंग ग्राउंड की 14, कल हाइड्रा ने किसी का बायआउट लिया है, ये करा है कहीं कहां रिप्लाई कर देना। सुकून शायद यहां पर उन टीम्स को मिल जाए, पर टीम तमिला स्टिल दे आर इन टॉप 5। नहीं जस्ट एक सभी भाई, मेरे नॉलेज में तो नहीं बता पे आपको गेन करके चला। प्लेसमेंट पॉइंट भी स्पर्स ने दिया रेडन को, टीम आ सकती है लेकिन प्लीज जोन से टीटी फॉक्स को वहां पर नॉकआउट हो जाना। ये बढ़िया टीम तमिलास का दिक्कत भरा अब सफर हो सकता है आगे का। रिकॉर्ड ने आगे एक नॉक दिया टीएमजी का, कंफर्मेशन इसी बीच हमें देखने को मिलता नजर आएगा। ये तो बीच में फंस गए, उनको तो मारना ही है। कंटेंशन में बनी हुई थी टॉप 5 में, इनका भी नाम शुमार था। क्या बचा रिकॉर्ड, डैमेज जरूर दिया गया अपने आप को उन्होंने, हाइड कर टीएमजी खिलाड़ियों ने, तुरंत आगे बढ़े। बट ये देखिए स्टार बॉय पूरा एजिस क्लियर कर रहा है कि कोई लेटा हुआ भी ना मारते। सही क्या, ओ नहीं लाना था यहां पर फ्यूरी पहले रिवाइवल अपने साथी को आगे जाने की कोशिश। क्या शॉर्ट पिक दिया है गाइस, एक और बार लिया। ये देखिए गाइस भाई, हमारे फुल स्प्रे पे स्प्रे दे रहे हैं फ्यूरी भाई। देखो स्प्रे, डोरा पहले रिवाइवल देते अपने साथी, मजा दिला दिया डोरा, आनंद निर्मल आनंद। कोई नहीं दोस्तों, वैसे भी अब हम एंड के लास्ट दो मैच में ही आते हैं, याद कोई ना, अब तो आदत सी हो गई है। अबे ये झिंगी पूरे स्ट्रीम आपका नाम लिया जाता है। तीन टीम्स हमें देखने को मिलती नजर आएगी और भाई यहाँ पे गाइस ये होता है ओवर कमिट। ओवर कमिट का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो ये लोग हैं गाइस। देखो मारा, बहुत अच्छी बात, टीम का वेट नहीं करके स्मोक में घुस जाना, दिस इज बैड। राइट में देखो एक बग्गी लेकर भाई साहब है हमारे, ठीक है। उसके बाद ये लोग हैं सामने से प्रहार होता और देखते ही गाइस ओवर एग्रेशन। ये देखिए एक वो बग्गी लेकर ऊपर में चले गए गाड़ी लेकर, ठीक है। इस फाइट के अंत होने का इंतजार, ओवर एग्रेशन गाइस, फालतू का। वरना ये मैच कब का खत्म था पता है, फालतू का इतना डिस्टेंस है तो रिवाइवल हो नहीं सकता। लेकिन ये ड्रैगन ईस्पोर्ट्स की तरफ ग्रेनेड, चलिए जिमी का जाएंगे आगे। प्रेगॉड ने यहां बहुत अच्छा संभाला गाइस, प्रेगॉड स्टार बनने, वरना एंटी था ये वाला। तो फायदा कर लिया है मिस्टर आईजीएल, समहाउ टॉप 3 तक अपनी जगह बनाते हुए। ए हितार तेरी बी भगाऊं कुत्ते के साथ, चत्तर मौत। 2 में आ सकते हैं, हैशटैग 2 तक अपनी जगह बना लेंगे। टीम हाइड्रा बहुत ही शानदार खेल रही है, शुरुआत में इतने फ्रैग नहीं, साला आग लगाता है, अंत तक लड़ रहे हैं। और अबे ये अवधूत को मैं मॉडरेटर से हटा रहा हूँ, ये बैंड स्टॉक तब से। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, मुश्किल है इसको बचा पाना, हटा रहा हूँ मैं मॉडरेटर से। आगे बढ़ना पड़ेगा, चल अवधूत तू आराम से आर आर कर और सो जा। वहाँ पे कॉल आउट दे रहे होंगे, दिव्या दी ओवर टू लसन का मेरा, जा अब तू आराम से चैट मार कर, लसन का मॉडरेटर नहीं रखूंगा। जो आया है जिमी का स्प्रे गॉड की तरफ, वो बहुत गुड नाइट करके लोगों को भगा रहा है, बताओ। ग्रेनेड फेंका गया है, अब आगे की तरफ प्लेयर बढ़ना चाहते हैं। वन मोर ग्रेनेड स्प्रे कर सकते थे, जिमी लो एचपी पे, सुपर बॉय स्टन का भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों द्वारा। यहाँ पे स्प्रे गॉड ने बहुत प्यारा दिया था, यहाँ पे फायदा उठाया, लेकिन अफसोस अच्छा दिया के स्प्रे गॉड लो एचपी पे ही सही सर्वाइव कर लिया है। ये भाई हमारे नीचे आ गए थे एंटी दस्त, बच गए। अरे उसका मत हटाओ, एक भी मॉड नहीं उसके अलावा, रुक तेरा भी हटाता हूं। यहां पे चिकन डिनर निकालती हुई नजर आ रही है हमें। ये बताएंगे मुझे, ये बच्चे बताएंगे मुझे कि मॉडरेटर किसको रखना है। हीट का भी हटा दिया लो, और अभी ढूंढ रहे हैं टीम तमिलास के मिस्टर आईजीएल, आओ ही और वो भी चैट पे मैन स्टो चुके हैं समवॉट, इन्होंने लैंड एरिया हिट कर दिया। दो साल के ये साले निब्बे, लेकिन उनको पता था कि स्कीम भैंस की है। ये बताएंगे मुझे दूसरी तरफ एस पावर अपना कहर बरसाते हुए नजर आएंगे टीम 8 बिट के तरफ। शेर बट शेर क्या हुआ, हाई शेर शिकार कर देंगे, शेर जिंदा है। एस पावर भी यहां से एलिमिनेट भाई, यहां पे जो लास्ट में मारा है यहां पर पूरी लॉबी को तबाह कर रहे।
जब दिन आएगा हम भी देख लेंगे। अबे ये डेड शॉट मैं भी देख लूंगा तुझे। समर्थ नहीं होता पांडा, समर्थ होता है। ठीक है वरुण भाई, सॉरी। सही एंगल एंड कन्वर्ट किया जाएगा पूरी तरह यहां पर नॉक एंड फिनिश पे। क्या टीम हाइड्रा 8 बिट को एलिमिनेट कर पाएगी या टीम 8 बिट ओल्ड सोल फाइट लगाओ एलिमिनेट कर पाएगी? ये तो गाइस यहां पे जो 2v2 था ना भाई, ये प्यार देखिए टीम हाइड्रा को पिन कर दिया। अनलेस यहां पे 8 बिट के ऊपर स्पर्स को मैंने वॉइस मैसेज भेजा था गाइस, जिसके बाद दिखाऊं आपको। पहले ये मैच देख लो फिर आपको वॉइस मैसेज दिखाता हूं। थोड़ा सा कवर के पीछे है, हल्का सा जंप करके फेंकते तो ज्यादा बेहतर होता। भाई मैं पंप करता रहता हूं गाइस, जो अच्छा है उसमें सही में गाली देना रहता है, गाली भी देता हूं मैं, ऐसा नहीं है। देखो इन पे जोन नहीं है गाइस, ठीक है इन पे जोन नहीं है, ध्यान देना। और ये दोनों एक पत्थर के पीछे और ये दोनों डिफरेंट एंगल्स पे हैं। इसमें क्या होता है ना, अगर हम दो इन दोनों में से एक बंदा कहीं भी पीक देगा तो दूसरा बंदा मार सकता है। और ये जो रौनक है ये धीरे धीरे क्राउच करके इधर आ गया था, ठीक है। और हाइड्रा की पोजीशन का अंदाजा अपने बंदों ने सब कर लिया देखो। और सबसे बुरी बात, शेयर नॉक हो गया। अब स्पर्स का है 1v2। अब देखो स्पर्स का पीओवी देखना गाइस अभी, ठीक है। लेफ्ट साइड मत देखना, सिर्फ स्पर्स का पीओवी देखना। देखते हैं कैसे निकालते हैं। पर चलिए यहां पे हाइड्रा शेयर को डाउन किया स्पर्स, आखिरी जो नॉक दिया है भाई, इसके बाद जो 1v कॉन्फिडेंस भाई, यही कॉन्फिडेंस में खेले ना गाइस। दूसरी तरफ वीडीडीएस है, देखो वो फुल एचपी। इसके बाद मैंने वॉइस मैसेज दिया था गाइस स्पर्स को। अरे स्पर्स चुम्मा भी अंदर से सेक्स आ गया।